जायके के इस लजीज सफर में जुड़ने के लिए जायका विद सोहरा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल जायका विद सोहरा में आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद लजीज हलवा जिसका नाम है मुल्तानी हलवा। तो चलिए ना बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको बनाने के लिए हमको चाहिए 2 कप गेहूं। इसको हमने रात भर भिगोया था, अब इसको हम पानी साफ पानी में इसको धोकर एक बॉक्स में रख देंगे। बॉक्स में रखने के बाद इसको हम ढक देंगे, सफ़ेद कपड़े से हम इसको ढकेंगे और उसके बाद कम से कम 3 दिन के लिए हमें इसको रखना होगा ताकि इसका जो ओकरा है इसके अंदर वो आ जाए। देखिए 3 दिन बाद ये कुछ इस तरह का इसमें ओकरा आ चुका है। इसको हमें 1 दिन धूप में भी रखना होगा और इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। ये हमने यहाँ पर वही ओकरा लिया है, मैदा है 2 कप, चीनी है 2 कप, इलायची पाउडर है, नींबू है और ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम दूध डाल देंगे पाउडर में, ओकरा के पाउडर में थोड़ा सा दूध डाल देंगे। थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब एक बड़ी बॉल में हम उसी जिसमें हमने दूध डाला था थोड़ा सा ओकरा के पेस्ट में, ओकरा के पाउडर में, उसको हम एक बड़े बॉल में ढाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा और दूध डाला है और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच बीच में हम इसको मिलाते जाएंगे मैदा जो हमने लिया है। एक साथ मैदा नहीं मिलाना है बल्कि थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए इसकी ये इस तरह से ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए। इधर साइड में मैंने लिया है, उबाल के रखा है तकरीबन 1.5 किलो दूध। इस पेस्ट को जिसमें हमने ओकरा, थोड़ा सा दूध और मैदा डाली थी, इसको हम अपने इसमें पलट देते हैं दूध में और इसको चलाएंगे। इसको कंटिन्यूसली हमें चलाना होगा ताकि ये बैठे नहीं नीचे। अब इसमें नींबू का रस हम डालेंगे। नींबू के रस में याद रखे डायरेक्ट नहीं डालना है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस और पानी के घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और यहाँ पर मेरी जो गैस है वो एकदम सिम पर मैंने रखी है, बहुत धीमी आंच पर है। मकसद हमारा यहाँ पर यह है कि हमने ये जो अपना मैटर लिया है इसको हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जैसे हम दूध में डालते हैं पनीर बनाने के लिए नींबू डालते हैं वो फट जाता है, यहाँ पर भी हमारा मकसद फाड़ना ही है। ये देखिए इसने फटना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमने धीमी आंच पे इसको रखा है और इसको थोड़ा चलाते जाएंगे। ये गया पूरा नींबू, 2 नींबू का रस हमने यहाँ लिया था। इसको ढक देते हैं ताकि अच्छे से और फट जाइए। देखिए काफ़ी अच्छे से फट चुका है। देखिए इसको फिर हम ढकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ढकेंगे तभी अच्छे से इसका जो है ये फटेगा। ये देखिए कितना अच्छा और ये अब फट चुका है, गाढ़ा गाढ़ा ये काफ़ी निकल आ चुका है।
आप हमारे चैनल जायका विद जोहरा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर गैस जो है वो तेज़ है। अब एक प्याली दूध में यहाँ पर हम कोकोआ पाउडर डालेंगे 2 चम्मच कलर ऐड करने के लिए। इसको अच्छे से मिला लिया है। इसको भी देखिए काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसमें हम दूध का और कोकोआ पाउडर का जो पेस्ट बनाया है इसको अब हम इसमें डालेंगे। इसको डालने से एक बहुत अच्छा कलर आ जाता है, जैसे चॉकलेट का कलर होता है कुछ कुछ ही इस तरह का ही कलर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखना है कि हमें इसमें लम्स नहीं हो, अच्छे से मिला देना है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अभी और गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, चीनी 2 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है। इसको भी मिला देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को हमने यहाँ पर काट लिया था, काजू लिए थे, बादाम है, आधे को हम यहाँ डालेंगे और आधे को ऊपर से गार्निश करने के लिए रखेंगे। ये हलवा जो है थोड़ा मेहनत का है, लेकिन यकीन मानिएगा जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे और खिलाएंगे तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। चीनी ने पानी छोड़ दिया है, फिर से हम इसको और ड्राई करेंगे। गैस हमें यहाँ पर मीडियम ही रखनी है। इलायची पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। इलायची पाउडर डालने से खुशबू आ जाती है। अब इसमें हम, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। असली घी का हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी ऐड आता है। एक साथ नहीं डालना है, याद रखें घी हमें थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ही डालना है। तकरीबन टोटल हमने यहाँ पर 250 ग्राम घी, असली घी का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है और काफ़ी ड्राई भी हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसे और सुखाना है। कंटिन्यूसली हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी को डालते रहना है और जब तक इसका तैयार होने का मतलब क्या है कि जब तक ये सटने लगेगा, जब ये सटने लगेगा आपकी कढ़ाई में, आपके बर्तन में, तो उसका मतलब है कि ये पक रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा इस लगना शुरू किया है, लेकिन अभी इसको और पकना है। हम इसको और पकाएंगे और इसको ड्राई करेंगे। जैसे बर्फ़ी, जब क्योंकि जब हम इसको ठंडा करके पीसेस में हम इसको बनाएंगे, काटेंगे, तो जैसे बर्फ़ी का रहता है एकदम टाइट, उसी तरह से हमें इसको रखना है। यहाँ पे थोड़ी सी जायफल हमने ले ली थी, जायफल को ग्रेट किया था। देखिए बर्तन में इसने लगना शुरू कर दिया है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी कि आपको मैं क्या बताऊं। अभी बहुत ही निहायत ही अच्छी खुशबू है इस वक्त में। घी को ऐड करते रहना है, साइडों से इसको छुटाते रहिएगा। कोशिश करिएगा इसको कि इसमें को आप एक ऐसे बर्तन में बनाएं जो कि नॉन स्टिकी हो। अब ये बन चुका है। अब इस पे हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको प्लेटिंग कर देंगे।
जैसे बर्फ़ी का रहता है, थोड़ा सा जो उसकी चौड़ाई मोटाई रहती है उतना ही मोटा आपको इसको रखना है। तो उसी हिसाब से आप इसको ज़्यादा पतला फैलाएं नहीं, बल्कि थोड़ा इसको मोटा ही रखना है। इसको अच्छे से दबा दीजिए। चम्मच की मदद से जो रह गया है उसको भी हम छुटा लेते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखे थे आधे, उससे हम गार्निशिंग कर देते हैं ऊपर में। चम्मच की मदद से ड्राई फ्रूट्स के पीसेस को हम अच्छे से दबा देते हैं ताकि वो निकले ना जब हम इनके पीसेस करें। निकलने के बाद हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो चुका है और इसको हमने काट भी लिया है पीसेस में। ये देखिए बर्फी की तरह ही हमने इसको स्क्वायर शेप का एक काटा है, क्यूब शेप का। लीजिए आपका हलवा तैयार है, इसको खूब खाइए और खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।